Good morning kids, how are you all? Today we have to learn maths in standard 4. So let's start. चलो यहाँ पे क्या दिया है हमें पेज नंबर 126 पे. आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आई होप कि सभी बच्चों ने मैंने जो ये ए बी और सी तीनों सम करवाए थे वो अच्छे से आपने कर ही लिए होंगे वीडियो में देख देख के. सो आज जो है हम ये गंगू स्वीट वाला ये स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट स्टार्ट. क्या लिखा है यहाँ पे, गंगू इज मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद. गंगू जो है वो स्वीट्स बना रहा था. किसके लिए? ईद आने वाली थी तो ईद के लिए वो स्वीट्स बना रहा था, मिठाई बना रहा था. ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज. उसने एक ट्रे में ट्रे भर के लड्डू बनाए, जिसमें कितने लड्डूज हैं? 80 लड्डूज हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बॉक्स में पैक कर रहा है, तो एक बॉक्स में 4-4 लड्डूज पैक कर रहा है यहाँ पे. प्लीज़ पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, आई नीड 23 बॉक्सेस. ये लड़की बोल रही है कि एक बॉक्स में 4 लड्डूज पैक करो, मुझे कितने बॉक्स चाहिए? 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए. तो चलो टोटल है 80 लड्डूज, उसमें से उसने एक बॉक्स में 4 लड्डूज, यानी कि उसे 23 बॉक्स चाहिए. तो अभी उसे टोटल कितने लड्डू चाहिए होंगे? तो आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस. तो 23 स्मॉल बॉक्सेस के लिए ये जो स्वीट्स है वो इनफ है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 23 बॉक्सेस चाहिए, तो 23 मल्टीप्लाई बाय, एक बॉक्स में कितने लड्डूज है? 4. तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगी, तो यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 12, 4 2 8 प्लस 9, मुझे 92 लड्डूज चाहिए. तो ये स्वीट सर, ये लड्डूज इनफ है नहीं है? तो आपको लिखना है नो, नॉट इनफ, ये लड्डू इनफ नहीं है. ओके उसके बाद हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड. तो ज़्यादा स्वीट्स कितने चाहिए होंगे? तो मुझे मिले 92, मेरे पास है टोटल 80 लड्डूज. तो मैं 92 में से 80 माइनस करूँगी, तो मुझे 12 लड्डूज ज़्यादा चाहिए, यानी कि 12 मोर लड्डूज चाहिए. 12 मोर यानी कि 12 लड्डू ज़्यादा चाहिए. तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने कैसे कैलकुलेशन की है, कि 23 बॉक्स है, एक बॉक्स में 4 है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4, तो टोटल लड्डू मुझे 92 चाहिए. मैं उसने बनाए सिर्फ 80 ही लड्डूज बनाए हैं, तो 92 में से 80 निकालूंगी, तो और उसे ज़्यादा 12 लड्डू, यानी कि और उसे 12 मोर लड्डूज बनाने होंगे. वैसे ही चलो अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 127 पे. गंगू ऑल्सो हैज़ अ बिगर बॉक्स. गंगू के पास बड़ा बॉक्स भी था. इन विच ही पैक 12 लड्डूज, जिसमें उसने 12 लड्डू भरे हुए थे, 12 लड्डूज भरे हैं. हाउ मैनी बॉक्सेज डज ही नीडेड फॉर पैकिंग द 60 लड्डूज. अगर उसे 60 लड्डू पैक करने हैं तो वो कितने बॉक्सेस लेगा? तो हमारे पास यहाँ पे दिया है कि एक बॉक्स में वो 12 लड्डू पैक कर रहा है, तो 60 के लिए कितना? तो 60 डिवाइड बाय 12 करूँगी मैं, 60 डिवाइड बाय 12. तो 12 के टेबल में 60 कब आता है? 12 फाइजा 60. ओके तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस चाहिए होंगे? 5 बॉक्सेस. तो उसे 60 लड्डूज पैक करने के लिए उसे 5 बॉक्सेस की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो 60 लड्डूज पैक कर सकेगा. प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस टाइम दिया है, तो चलो वो देख लेते हैं. नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास. नीलू जो है वो 15 स्टोरी बुक उसके क्लास के लिए लेके जाती है. टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. आज 45 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं. हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नॉट टू शेयर वन बुक. तो कितने चिल्ड्रन जो है वो अपनी बुक शेयर नहीं कर पाएंगे? 15 स्टोरी बुक्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं. ओके तो हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक, यानी कि कितने बच्चों को बुक शेयर करनी पड़ेगी? तो 15 स्टोरी बुक है और 45 स्टूडेंट हैं. ओके तो फिर 45 डिवाइड बाई 15, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 45 डिवाइड बाई 15, 45 स्टूडेंट हैं, 15 बुक्स है, तो 15 के डबल में 45 आता है, 15 थ्रीज़ा 45, यानी कि 3 चिल्ड्रंस को एक बुक शेयर करनी पड़ेगी. अगर 3 बच्चे एक बुक शेयर करेंगे तो ही पूरे क्लास में जो 45 स्टूडेंट हैं उनको 15 बुक में चलेगा. ओके यहाँ पे हम डिवीज़न कर रहे हैं.
अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स अ 60 किलोग्राम वेट, 8 लोगों का घर है जिसमें 60 किलोग्राम वेट उसे चाहिए। हाउ मच वेट डज द फैमिली नीडेड फॉर अ वीक, तो एक दिन के लिए सॉरी मंथ के लिए 60 किलोग्राम चाहिए तो वीक के लिए कितना। तो मंथ में 30 डेज होते हैं, तो क्या करना है हमें, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ सेकेंड नंबर की। तो यहाँ पे लिखा है वन मंथ के लिए 60 किलोग्राम, तो वीक में वन वीक के लिए कितना, चलो वन मंथ में कितने डेज होते हैं, हाउ मेनी डेज इन द मंथ, देर आर 30 डेज, इन द वीक देर आर 7 डेज। ओके, तो 7 मल्टीप्लाई 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 मल्टीप्लाई 60 अपॉन होगा 30, चलो 32 जा 60, आंसर आएगा 7 2 जा 14 किलोग्राम। तो एक दिन सॉरी 7 डेज के लिए उनको कितने किलोग्राम चाहिएगा, 14 किलोग्राम। ओके, तो वीक के लिए आंसर आया 14 किलोग्राम। तो यहाँ पे मैंने कैसे सम किया, ये सम आपको अपने नोटबुक में कैलकुलेट करना है, टेक्स्ट बुक में कोई भी बच्चा कैलकुलेट नहीं करेगा। ओके, सिर्फ मैंने तो यहाँ पे जगह है इसलिए कैलकुलेट किया है, आपको को आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं करना है, आपको नोटबुक में करना है। उसके बाद है थर्ड, रजिया वॉन्ट चेंज फॉर 500, रजिया को 500 रुपये के छुट्टे चाहिए, चेंज चाहिए, तो 100 रुपीज़ के कितनी नोट मिलेगी उसे, 50 रुपीज़ की कितनी, 20 रुपीज़ के कितने और 5 रुपीज़ की कितने। ओके, चलो 500 है तो 100 की कितनी नोट चाहिएगी, 5। ओके, तो 100 5 500 हो गया। 50 रुपीज़ की है तो 50 रुपीज़ की 500 में, तो 50 10 5 00, तो यहाँ पे 10 आएगा, तो 50 10 करूँगी तो मुझे 500 मिलेगा, तो मुझे 50 रुपीज़ की 10 नोट चाहिए अगर 500 का छोटा करवाना है। तो 500 की 20 में कितनी नोट मिलेगी, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा तभी पता चलेगा। चलो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ, 500 / 20, 2 जा 40, 1 बचा 0, 25 जा 100, 0 0 0, तो टोटल कितनी नोट चाहिए, 25, तो यहाँ पे आएगा 25 नोट्स। वैसे ही 5 की कितनी चाहिए, तो 500 जा 500, यानी कि 5 की 100 नोट चाहिए। तो वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि 100 की 5 नोट यानी कि 500, 5 की 100 नोट यानी कि 500, 50 की 10 नोट यानी कि 50 रुपीज़ की 10 नोट्स यानी कि 500, 20 रुपीज़ की 25 नोट्स यानी कि 500 रुपीज़, तो इस तरह से उसे छुट्टे मिल जाएंगे 500 के। उसके बाद है नेक्स्ट वन, 4 नंबर का, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज इक्वली इन 3 बास्केट, हाउ मैनी टोमेटोज विल बी इन ईच, तो हमें 72 टोमेटोज 3 बास्केट में डिवाइड करने हैं, तो डिवाइड करना है तो 72 / 3, तो आंसर क्या आएगा, तो आपको पहले डिवीजन करना पड़ेगा, 72 / 3, 3 2 6, 7 में से 6 गए तो 1, ऊपर से लिए 2, 3 4 12, 0 0, तो मुझे कितने वन बास्केट में मिलेंगे, 24, तो वन बास्केट में 24 टोमेटोज मिलेंगे। ओके, तो वन बास्केट में मुझे कितने मिले, 24 टोमेटोज। उसके बाद है नेक्स्ट वन, 5th नंबर का, देर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट, एक हैंड कार्ट में 350 ब्रिक्स यानी कि ईंट पड़ी हुई है, विनोद फाउंड वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg, तो विल बी वेट ऑफ द ऑल ब्रिक्स, एक ईंट का वजन दिया है आपको, वेट दिया है 2 kg, तो 350 का कितना, तो आपको यहाँ पे लिखना है 1 का है 2 kg, तो 350 का हाउ मैनी। ओके, तो 350 का, तो यहाँ पे 350 × 2, तो 350 × 2, 0 10 700, तो टोटल 700 किलोग्राम होगा, तो टोटल वेट कितना आया, 700 किलोग्राम। तो जो भी मैंने सम्स करवाए हैं आपको नोटबुक में करने हैं, तो फर्स्ट प्रैक्टिस टाइम पूरा का पूरा नोटबुक में करना है, फर्स्ट सम उसका आंसर के साथ, सेकंड सम उसकी कैलकुलेशन के साथ आपको पूरा नोटबुक में करना है, थर्ड भी ये आपको पूरा का पूरा लिखना है, फोर्थ भी ये कैलकुलेशन के साथ, और फिफ्थ भी ये कैलकुलेशन के साथ पूरा नोटबुक में करना है।
जो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक है, नेक्स्ट लेक्चर से इसे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको नोटबुक में ये सारे पूरा प्रैक्टिस टाइम जो है वो कंप्लीट करना है, और ये पेज नंबर 126 और ये वाला सम भी आपको नोटबुक में कंप्लीट कर देना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।